गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। आंखों की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए गर्मियां परेशानी का सबब बनकर आती है। गर्मियों में बच्चों सहित युवाओं और बुजुर्गों में आंखों की एलर्जी की शिकायतें सामने आती है। आंखों पर सीधी धूप पड़ने से ये समस्या ज्यादा बढ़ने लगती है। ऐसे में बच्चों सहित युवाओं और बुजुर्गों को गॉगल्स लगाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा टोपी लगाने की सलाह भी दी जाती है। गॉगल्स और टोपी लगाने से आंखों पर सीधी धूप नहीं पड़ती है, जो आंखों के लिए लाभदायक होती है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी IGMC में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत डॉक्टर प्रवीण पंवर ने लोकल 18 से बातचीत में बताया कि गर्मियां बढ़ने से कई लोगों की आंखों में एलर्जी बढ़ने की शिकायतें सामने आती है। ऐसे लोगों को गॉगल्स और टोपी लगाने की सलाह दी जाती है, ताकि धूप सीधा उनकी आंखों में ना पड़े। आंखों में जितनी कम सीधी धूप पड़ेगी, उतनी ही आंखें ठंडी रहेगी और कंफर्टेबल रहेगी। सीधी धूप पड़ने से आंखों में एलर्जी के ज्यादा आसार होते हैं। गर्मी की वजह से आपने देखा होगा कि एलर्जी बढ़ जाती है। हमारे पास काफी बच्चे आते हैं, एलर्जी जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे एलर्जी के चेंजेस या एलर्जी की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो हम उनको भी यही समझाते हैं कि जैसे वो घर से बाहर निकले, धूप में जाए, या तो कोई प्रोटेक्शन गॉगल वगैरह यूज करें, या फिर जैसे आपको कैप आती है, एक नॉर्मल कैप आप लगाइए, कैप मंकी कैप आती है, ताकि डायरेक्टली धूप आपकी आंखों में ना पड़े। जितनी आंख आपकी ठंडी रहेगी, उतनी आपकी कंफर्टेबिलिटी या उतनी आपकी आंख ठीक रहेगी। जितनी आंख गर्म रहेगी गर्मी की वजह से, उतनी चांसेस रहेंगे आपकी एलर्जी होने की आंख में। तो बेटर है कि आप प्रोटेक्शन यूज करें या कोई कैप यूज करें, ताकि आंख ठंडी रहे। किस तरह की गॉगल्स लगानी चाहिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि 100 रुपए में 150 रुपए में इस तरह के गॉगल्स अवेलेबल होते हैं। हाँ, ये भी जो ध्यान रखना चाहिए, जो गॉगल यूज कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की हो, ग्लास की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली ऐसे ही यूज करेंगे तो कई बार आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है। तो ग्लास की क्वालिटी अच्छी होना बहुत जरूरी है कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो।